गाइस मेरे पास अभी है रेडमी का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने अमेजोन से सेकंड सेल में बाय किया था और मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका है। और मैंने जब डिलीवरी बॉय से बॉक्स को लिया था, इसी तरह फटा हुआ था। तो इसीलिए मैं कहूँगी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं से भी अगर अपने कोई भी चीज़ को परचेस करना चाहते हो, कैमरे की तरफ जाकर या पे बॉक्स को ओपन करना, क्या पता बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिल जाते तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए कैमरे की तरफ जाकर बॉक्स को ओपन करना। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल मैंने सील को ब्रेक करते यहाँ पे सिंपल काट कर दिया, जो देख सकते हैं अमेजोन का पैकेज मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों। यहाँ पे बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हो जो Redmi Note 10 Pro Max का बॉक्स और यहाँ पे व्हील देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो Redmi Note 10 Pro Max का बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड। और यहाँ पे और भी बहुत सारे हाईलाइट फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पे सिंपल बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे फाइनली बॉक्स को ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद और एक छोटा सा बॉक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिम रिजेक्टर पिन देखने को मिलता है सबसे पहले, और कुछ मैनुअल गाइड बुक देखने को मिलता है, और एक टिफ्यू केस देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है दोस्तों। ये यहाँ पे जो टिफ्यू केस काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप सी केबल देखने को मिलता है, और 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्मार्टफोन की तरफ और देखते इसका डिजाइन वगैरह और रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसका डिजाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे बैक साइड की तरफ आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश एंड यहाँ पे आपको रेडमी का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कैमरा का बाम थोड़ा ज़्यादा आपको बाहर देखने को मिल जाएगा, और इसका वेट देख सकते हो 193 ग्राम आपको वेट देखने को मिल जाएगा। और इसका नीचे की तरफ जाते हो तो सेकेंडरी माइक्रोफोन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर, राइट साइड की तरफ पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर एंड वॉल्यूम अप डाउन बटन। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते तो 3.5 mm हेडफोन जैक और एक स्पीकर देखने को मिल जाएगा, सेकेंडरी माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर। और उसके साथ साथ लेफ्ट साइड की तरफ जाते तो डेडिकेटेड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.67 इंची फुल HD प्लस रेजुलेशन का आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे 120Hz टच सैंपल भी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे जो हायर रिफ्रेश रेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया से आप अपना स्मार्टफोन को यूज भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो 500 का साइज काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा, और इसका बैजेस नीचे जो चेंज होने वाला है बहुत ही छोटा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और फोन साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, और इसका वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा पंची कलर वीडियो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया सा मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे बड़ा सा नीट ब्राइटनेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप 4K वीडियो जो वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब के अंदर जाकर आप यहाँ पे 4K वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे जो डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया सा मिलने वाला है, अगर अपने आउटडोर में भी यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं दिखाई देगा। जो गूगल कैम का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, और आउटडोर में मैं जब स्मार्टफोन का यूज़ किया था मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होने वाला है। और इसके बाद इसका प्रोसेसर के बारे में बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 732G चिपसेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा, अगर अपने यहाँ पे कोई भी गेम खेलना चाहते हो बहुत ही आसान तरीका से खेल भी सकते हो, कोई भी लैग वगैरह आपको इसके अंदर नहीं दिखाई देगा। कॉल ऑफ ड्यूटी आप हाई सेटिंग करके खेल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं दिखाई देगा। बहुत ही जल्दी इसके अंदर पबजी गेमिंग रिव्यू
आने वाला है उसके लिए भी आप जरूर इंतजार करना दोस्तों। जो गेमिंग परफॉर्मेंस होने वाला है इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया सा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया सा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसका बैटरी आपको या फिर जो देखने को मिल जाएगा 5020 mAh की काफ़ी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ साथ 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। आप अपना स्मार्टफोन को कम टाइम के अंदर चार्ज कर सकते हो और बहुत देर तक यूज भी कर सकते हो। और कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका मेन सेंसर 108 MP का और 1 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 MP माइक्रो एंड 2 MP गैप सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेल्फी में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग शूट भी कर सकते हो। मैं कुछ आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली इसका आप कैमरा का पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो, जो प्रोटेक शॉट वगैरह माइक्रो शॉट वगैरह काफ़ी बढ़िया सा आपको या फिर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद बात कर जाए स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, तो दोस्तों मैं कहूँगा ठीक ठाक है दोस्तों। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पैसा कम देकर रेडमी नोट 10 प्रो भी ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा स्मार्टफोन होने वाला है। ऐसे भी दोस्तों आपका बजट कम है, आप रेडमी नोट 10 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो, रेडमी नोट 10 प्रो को लीजिए, आपके लिए बेस्ट होने वाला है। 16,000 rupees के अंदर मिलता है दोस्तों, सिर्फ कैमरे के छोड़कर सब कुछ आपको सेम देखने को मिल जाएगा। आप उस स्मार्टफोन को भी ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा स्मार्टफोन होने वाला है। ऐसे भी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले न्यू फेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड।